कांग्रेस ने अपने 70 साल में क्या किया, बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, और चुनाव के दौरान एहसान जता करके वोट लेते रहे, लोगों को खड़ा नहीं किया, उनको मजबूती प्रदान नहीं की, उनके दिल में स्वभाव स्व पैदा करने की कोशिश नहीं की। अगर की होती तो ये स्थिति नहीं आती कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को आना पड़े और 10 करोड़ बहनों को इज्जत घर देना पड़े, शौचालय देना पड़े और इस देश को स्वाभिमान के साथ खड़ा करना पड़े। आप सोचिए 2014 के पहले कैसा देश होगा जहां 10 करोड़ परिवार अपने दैनिक जीवन के कर्तव्य के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करते होंगे और जब सूर्यास्त होता होगा तब अपने दैनिक क्रिया के लिए जाते होंगे या सूर्योदय से पहले जाते होंगे, क्या महिलाओं की स्थिति होगी। मोदी जी ने उनको एहसान से नहीं दबाया, उनको सशक्तिकरण दिया कि तुम इज्जत से जियो, यह तुम्हारा इज्जत घर है, इसको समझो। और छोटी संख्या नहीं है, जिस देश की 130 करोड़ की जनसंख्या हो और वहां 10 करोड़ शौचालय बने और एक शौचालय को इस्तेमाल करने वाले कम से कम 5 से 6 व्यक्ति यानी परिवार की इज्जत बनती हो, इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस ने अपने 70 साल में क्या किया, बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, और चुनाव के दौरान एहसान जता करके वोट लेते रहे, लोगों को खड़ा नहीं किया, उनको मजबूती प्रदान नहीं की, उनके दिल में स्वभाव स्व पैदा करने की कोशिश नहीं की। अगर की होती तो ये स्थिति नहीं आती कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को आना पड़े और 10 करोड़ बहनों को इज्जत घर देना पड़े, शौचालय देना पड़े और इस देश को स्वाभिमान के साथ खड़ा करना पड़े। आप सोचिए 2014 के पहले कैसा देश होगा जहां 10 करोड़ परिवार अपने दैनिक जीवन के कर्तव्य के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करते होंगे और जब सूर्यास्त होता होगा तब अपने दैनिक क्रिया के लिए जाते होंगे या सूर्योदय से पहले जाते होंगे, क्या महिलाओं की स्थिति होगी। मोदी जी ने उनको एहसान से नहीं दबाया, उनको सशक्तिकरण दिया कि तुम इज्जत से जियो, यह तुम्हारा इज्जत घर है, इसको समझो। और छोटी संख्या नहीं है, जिस देश की 130 करोड़ की जनसंख्या हो और वहां 10 करोड़ शौचालय बने और एक शौचालय को इस्तेमाल करने वाले कम से कम 5 से 6 व्यक्ति यानी परिवार की इज्जत बनती हो, इस बात को समझना चाहिए।